अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड फ्रेंड अगर आप YouTube की वीडियो बनाते हैं या TikTok की वीडियो बनाते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी ही पट्टी वीडियो के नीचे चले। आपने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल देखे होंगे, उनके नीचे ऐसे ही एक साइड से पट्टी निकल रही होती है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है आपको। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप जितना चाहे मर्ज़ी लिख सकते हैं। अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, अपनी वीडियो के बारे में कुछ लिखना है वो भी लिख सकते हैं। जितना आप लंबा जितने मर्ज़ी स्पेलिंग हो उतने ही आप लिख के इसको सेट करके ऐसी ही पट्टी आप चला सकते हैं जैसी आपको नज़र आ रही है। तो यही चीज़ आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, बताऊँगा, अच्छे तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। तो आपके पास ड्राइंग मास्टर होना ज़रूरी है। जैसी आपको पट्टी पहले मैंने दिखाई है चलाकर, ठीक है, वैसी पट्टी वीडियो के अंदर चलाने के लिए आपके पास ड्राइंग मास्टर होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ड्राइंग मास्टर है, तो इसके अंदर ही मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कैसे आप बिल्कुल आसानी से वो पट्टी चला सकते हैं। तो मैं इसको अब ओपन करता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री वर्जन आपको गूगल से मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है ना प्लस का नज़र आ रहा होगा निशान, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो आपने अगर यूट्यूब की वीडियो बनानी है तो आपने ये 16:9 पर क्लिक करना है। अगर आपने टिकटॉक की वीडियो बनानी है तो 9:16 पे क्लिक करना, ठीक है। तो मैं यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूं तो मैं ये 16:9 पे क्लिक करता हूं, तो ऐसा आपको ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आप काइन मास्टर यूज़ करते हैं तो आपको जो है ना इसकी समझ होगी। अगर आपको पट्टी नहीं चलानी आती तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो वीडियो के अंदर नीचे से पट्टी जैसे न्यूज़ चैनल पे चलती वैसी आप चलानी सीख जाएंगे। तो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा मीडिया, तो मीडिया पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड पर, ठीक है। तो ये मैंने बैकग्राउंड पर क्लिक किया, तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले लें फिलहाल। तो मैं इसका चेंज कर दूँगा कलर, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लंबा करके, तो ये मैं तकरीबन 25 सेकंड पर कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने 25 सेकंड पे इसको कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद ये ऊपर कलर है, कलर को मैं क्लिक करने के बाद मैं इसको ग्रीन कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने फुल ग्रीन कर दिया, के बाद टिक लगा दूंगा। तो अब इसके ऊपर जो हमने जो भी पट्टी के ऊपर लिख के चलाना है इसको, तो उसको हम जो है ना ये लेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं जो मैंने जो लिख के रखा है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इसके फॉन्ट जो बड़े कर दूंगा। अगर आपने फॉन्ट इसके चेंज करने हैं, ठीक है, तो ये आपको डबल ए नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर ऐसे आप क्लिक करेंगे तो कोई भी आप फॉन्ट अपनी मर्जी से जो आपको अच्छे लगे वो लगा सकते हैं। तो मैं फिलहाल यही रहने दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको कर दिया, तो अब मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा लंबा कर दूंगा। अगर छोटा रखूँगा तो ये स्पीड से भाग जाएगा, समझ नहीं, कोई अगर पढ़ना चाहेगा तो पढ़ भी नहीं सकेगा, ठीक है। तो मैंने इसको जो है ना 10:92 पे मैंने कर दिया, ठीक है, 10:92 पे मैंने इसको कर दिया, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इसको ऐसे हटा दूंगा, कहीं भी ऊपर टिक लगा दिया मैंने। तो अब मैं इसको दोबारा इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा और ये आपको नज़र आ रही होंगी दो लाइन, एक ब्लैक और एक रेड, ठीक है। आपने जो ब्लैक वाली है ना उसको फॉलो करना है, ठीक है। इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो है ना ये पट्टी बिल्कुल एक जैसी जाएगी, बिल्कुल। इसको जो है ना थोड़ा सा ऐसे छुपा देना, पट्टी है ना आपको ऐसे नजर आनी चाहिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि एक जैसा ही जाएगा, हल्का सा बाहर रहेगा ताकि हम इसको पकड़ के आगे पीछे कर सकें। तो अब मैं इसके ऊपर टिक लगा दूंगा, टिक लगाने के बाद दोबारा इसके ऊपर मैं दोबारा फिर क्लिक करूंगा तो इस साइज पे मैं बिल्कुल एंड पे आ जाऊंगा, ठीक है। एंड के ऊपर आने के बाद मैं ये आपको ऊपर नजर आ रही होगी चाबी, चाबी के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ऊपर ये आपको नजर आ रहा होगा प्लस का निशान, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये आपने ब्लैक पट्टी जो नजर आ रही है ना, इसके ऊपर जब आपने उंगल जो अपनी ना उठानी है तो आपने इसके ऊपर करके इसको उंगल को उठाना, ठीक है, नहीं तो आपका जो गड़बड़ हो जाएगी ये चीज, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इधर छुपा देना, छुपा दिया मैंने। तो अब मैं ऊपर ये टिक के ऊपर निशान लगा दूंगा, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो ये एक, ठीक है, ये स्पेलिंग इतने से हो गए हैं। तो अब मैं आगे जो लिखा हुआ मैं आपको वो बताता हूँ कि इसको लंबा कैसे हम कि चलती रहे, ठीक है। आगे जो और लिखा हुआ मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने यहाँ पे आके इसको छोड़ना, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इधर आपने छोड़ना है। तो अब मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, आगे वाली लाइन को मैंने कॉपी कर लिया। तो दोबारा फिर मैं लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो दोबारा टेक्स्ट के ऊपर मैं फिर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं दोबारा इसको फिर पेस्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको पकड़ के इसके फॉन्ट जो ना वो बड़ा कर देता हूँ ताकि जो फॉन्ट है ना बिल्कुल एक जैसे नजर आए, ठीक है, ये ओके। तो अब मैं इसको टिक लगा देता हूँ, टिक लगाने के बाद इसको मैं पकड़ के, ये पहला जो मैंने किया था वो था 10:92, ठीक है, मैंने ये इसको जो ना 10:93 कर दिया। इस चीज को आपने फॉलो करना है, इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो पट्टी है बिल्कुल एक जैसी चलेगी, ठीक है। ये मैंने इसको करके छोड़ दिया। तो अब मैं इस साइड पे आ जाऊंगा, आने के बाद मैं इसको टिक लगा दूंगा। टिक लगाने के बाद मैं दोबारा फिर इसको ऊपर ऐसे कर दूंगा और ये ब्लैक पट्टी को जो है मैं फॉलो करता हुआ, ठीक है, इधर इसको लाकर मैं जितनी स्पेस होती है ना उतना ही मैंने इसको, जितना उसको छुपाया था उतना ही इसको छुपा दिया, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये मैंने इसको छोड़ दिया, अब मैं इसको दोबारा टिक लगा दूंगा और एंड पे आ जाऊंगा इस साइड पे, ठीक है,
इसके ऊपर मैं दोबारा फिर क्लिक कर दूंगा। ये आपको फिर साइड पे पट्टी जो है और सॉरी ये चाबी नजर आ रही होगी, चाबी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जो इसको पकड़ के मैं इधर ही छोड़ दूंगा, ठीक है। जैसे ये पहले आपको बताया है कि ब्लैक जो लाइन है ना इसको फॉलो करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने उतना ही इधर छोड़ दिया, अब मैं इसको चला कर चेक करता हूँ, ठीक है। टिक मैंने लगा दिया था, ये मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि अगर फ़ॉन्ट आगे पीछे जा रहे हैं तो मैं आपको सेट करके बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल एक जैसे ये फ़ॉन्ट है नज़र आ रहे होंगे आपको, एक जैसे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, एक जैसे ही जा रहे हैं। अब मैं आपको तीसरी पट्टी आपको दिखाता हूँ, इसको ऐसे ही पकड़ के इधर कर लेना, ठीक है। इधर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है वो मैं कॉपी करके इधर लाता हूँ, ध्यान से आप समझिएगा देखिएगा, उसके बाद ही आपकी पट्टी जो है परफेक्ट चल पाएगी, ठीक है। दोबारा मैं लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद मैं इसके जो फॉन्ट है ना वो दोबारा फिर एक जैसे कर देता हूँ, ठीक है। दूंगा वो मैंने की थी 1093, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। अगर ये आपके स्पेलिंग कम हो जाएंगे तो आपने कम करना है इसको, अगर आपके स्पेलिंग जो है ना बढ़ जाएंगे तो आपने इसको बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो 93 किया था, तो अब मैं ये सेट करके आपको बताता हूँ। इसको भी मैंने 1093 कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है ना इसके फोन मैंने बराबर कर लिए थे, अब मैं इसको इस एंड पे ले आया हूँ, तो अब मैं जो है ना इसको ब्लैक लाइन को फॉलो करते हुए तो मैं इसको इधर ला के जो है ना जितनी स्पेस होती है उतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये हो गया सेट इधर, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर मैं इसको एंड पे ले आऊँगा, लाने के बाद मैं इसको इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये दोबारा चाबी के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये प्लस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो अब मैं इसको ब्लैक लाइन को फॉलो करते हुए इसको इस साइड पर ले आऊँगा। अगर फ़र्क हुआ तो बाद में इसको सेट करेंगे, ठीक है। इधर बिल्कुल छुपा दिया मैंने, ठीक हो गया। तो अब मैं दोबारा टिक लगा दूँगा, ठीक। अब इसको चला के चेक कर, इसमें फ़र्क तो नहीं आ रहा। ये देखिए हमारी जो पट्टी है ना बिल्कुल एक जैसी जा रही है, ठीक है। आपको स्पेस भी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ये परफेक्ट अपनी जगह पे ये सेट हो गए। अब मैं पूरे आपको चला कर चेक करवा देता हूँ एक बार, ये देख लें आप। ऐसे ही आप पट्टी चला सकते हैं, आप अगर उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उर्दू भी आप लिख के आप ऐसे ही पट्टी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उर्दू वाली, ये मैं इंग्लिश वाली आपको बता रहा हूँ, तो आप उर्दू वाली सेट कर सकते हैं, ये देखें। क्योंकि हर वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी है उसके अंदर छोटा सा वो लिख कर दिखा देते हैं, लंबी चीज़ ये चीज़ दिखाते नहीं है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मैं ये चीज़ मैंने पहले खुद ट्राई की, उसके बाद आप लोगों को मैंने ये शेयर किया कि आप लंबी पट्टी कैसे चला सकते हैं। जैसे आप केबल पे भी देखते हैं तो आपको जो ना नजर आ रही होती है कि लंबी पट्टी निकल के जा रही होती है, काफी ज्यादा कुछ लिखा होता है, वो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने ऊपर ये ग्रीन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये आपको कैंची नजर आ रही होगी, ठीक है। कैंची के ऊपर मैं ऐसे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये इस साइड को मैंने जो ना काट दूंगा, ठीक है। ये देखें ये कट गया, तो अब मैं इसको जो ना सेव कर लूंगा। ये आपको शेयर का निशान नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने ये 720 और 30 कर देना, ये बिल्कुल परफेक्ट जो साइज इसका होता है ना वो है, ठीक है। अगर आप इसकी एम भी कम करना चाहते हैं वहाँ यहाँ से आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप मैं कहूँगा कि आप फुल ही रहने दें। उसके बाद एक चीज़ आपको मैंने नहीं बताई, वो बता दूँ पहले, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है ना इसके कलर वगैरह जो है ना यहाँ से आप जो इसके फॉन्ट है फॉन्ट के अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल आसानी। जो भी कलर रखना चाहें, ब्लैक रखना है, ग्रीन रखना, जो भी रखना, मैं व्हाइट ही रखूँगा। उसके बाद आपने कोई शेड देना है, ठीक है। इसको जैसे ये आप शेड दे सकते हैं, नीचे दे सकते हैं, ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। इसको कम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके नीचे ब्लैक है, ठीक है। ये देखें तो ब्लैक ऑन है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये देखें अच्छा नज़र आता है, ये बिल्कुल व्हाइट नज़र आता है। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि इनके नीचे आप पट्टी चाहें तो ये पट्टी भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पट्टी मैं यहाँ नहीं आपको बाद में बताता हूँ वो कैसे लगानी है, ठीक है। ये आपको ये सिर्फ बताया है कि आप जो ना ये कलर वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं, जो भी अपनी मर्जी का कलर करना चाहें वो कर सकते हैं फॉन्ट का। तो ये टिक लगा के आपने यहाँ से आपको सेव कर लेनी है, ठीक है, अपने मोबाइल में, ठीक है। ये हो भी हो रही है, तो ये जैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी जल्दी हो रही है। आपने एक बार जो है ना अपनी कोई भी जो भी आपका जो वीडियो वाला ऑप्शन है उसके अंदर आपने इसको प्ले करके देख लेना है, क्योंकि आप प्ले करेंगे तो ये सेफ हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप प्ले ना करें तो ये सेफ नहीं होती। ये देखिए एक जैसी पट्टी निकल के आ रही है, ऐसी आप अपनी वीडियो के नीचे लंबी जो पट्टी है ना बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने वीडियो के अंदर इसको कैसे लगाना है बिल्कुल आसानी से। इसको हम खत्म करते हैं, दोबारा इस प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, दोबारा आते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ से कोई वीडियो लाते हैं, तो ये मैं कोई एक वीडियो ले आता हूँ यहाँ से,
ये मैं अपने ही चैनल की एक वीडियो जो है ना ले आया हूँ, जो सब्सक्राइब का मैंने बटन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको जो पट्टी ना वो लगा कर दिखाता हूँ, वो आप कैसे लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो ये 17 सेकेंड है, तो मैं इसके अंदर आपको और थोड़ी सी लंबी करके दिखा देता हूँ। मैं और एक ले आता हूँ फिर ना, और लंबी कर देता हूँ, ये देखें। तो इसकी जो वॉल्यूम है वो मैं ऑफ़ कर दिया मैंने। तो अब हमने दोबारा ये मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने बैकग्राउंड पे हम दोबारा फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एक पट्टी जो है ना ऐसे जो ले आनी है, कोई भी ले आए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी मर्जी से जो भी कलर लगाना चाहें पट्टी का वो लगा सकते हैं। मैं ब्लैक लगाऊंगा, ठीक है। ये मैंने ब्लैक लगा दिया, ठीक है। ये इसको पकड़ के ऐसे बड़ा कर लूँगा। बड़ा करने के बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा, स्क्वेयर सा बना हुआ, ठीक है। इसको भी मैं क्लिक करूँगा और इसको क्रॉप कर दूंगा, ठीक है। ऐसे छोटी पट्टी कर दूंगा ये, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इसको। अब मैं इसको पकड़ के थोड़ी सी बढ़ा दूंगा ताकि ये जो है ना यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। तो अब जो है ना वो हमने वीडियो बनाई है जो फॉन्ट वाली ग्रीन पर, ग्रीन के साथ। दोबारा हम फिर ये मीडिया ग्रुप पर क्लिक करेंगे, वो वीडियो यहाँ से हम लाएंगे इधर, ठीक है। यहाँ से आपने इसको बिल्कुल इसके बराबर कर लेना, ठीक है। ये देखें, ये लाइनें जो है ना बिल्कुल बराबर कर लेनी है, फिर आप ये जो है ना वो फॉन्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे निकल के आएंगे। ये होगी आप जो है ना, ये आपको लड़की बनी हुई नजर आ रही होगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये ऊपर आपने इस चीज को ऑन कर देना। वो जो है ग्रीन पट्टी हट गई है, तो सिर्फ फॉन्ट रह गए हैं, ये देखें। तो आप ये फॉन्ट के ऊपर मैं क्लिक करके दोबारा जो है ना इसको मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। ऐसे आप अपनी मर्जी से जो भी आप कलर, जो भी आप उर्दू फॉन्ट, जैसी आप पट्टी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखें, ये पट्टी जो है ना निकल के आ रही है, जो बहुत बड़े ही प्यारे तरीके से निकल के जा रही है। ऐसे ही जो न्यूज़ पट्टी चल रही होती है, तो आप सोचते हैं पता नहीं ये कैसे बनाते हैं। तो हर वीडियो के नीचे मैंने देखा, हर वीडियो यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सर्च किया है, ठीक है। तो वो छोटी सी पट्टी बस बताते हैं, लंबी पट्टी आपको तरीका नहीं बताते हैं वो कैसे निकलती है, ठीक है। तो अब जो है ना ये देखें, फोन थोड़े से बड़े हैं। तो अब ये मैं पट्टी जो ब्लैक वाली है ना, इसको आपको बताता हूँ इसको बड़ा कैसे करना। ऐसे इसको ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ इसको साइड पे करूँगा और यहाँ से इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, ताकि ये फोन जो है ना बिल्कुल परफेक्ट जो अच्छे नज़र आए, ठीक है। ये हो गए, ठीक है। दोबारा मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियो देखने के लिए। यार काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी वीडियो वो बन गई और कितनी अच्छी पट्टी चल रही है। ऐसी आप चला सकते हैं, आप चाहें तो उर्दू की पट्टी भी चला सकते हैं ऐसी, सिर्फ आपने फोन जो है ना उर्दू के लिखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।